अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी पत्नी मेलानिया ट्रंप के साथ दो दिन के भारत दौरे पर हैं। अहमदाबाद जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। 22 किलोमीटर लंबा रोड शो जो मोटेरा स्टेडियम तक निकला और लोगों की भीड़ डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए काफी उत्सुक नजर आई। दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों ने मोटेरा स्टेडियम में लोगों को संबोधित भी किया। तमाम बड़ी बातें आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि अमेरिका और भारत के रिश्ते इतने मजबूत कैसे हुए हैं। दरअसल ये पहली बार नहीं है कि किसी अमेरिकी राष्ट्रपति का स्वागत भारत में इतने जोर शोर से हुआ हो। इससे पहले भी 6 अमेरिकी राष्ट्रपति भारत आ चुके हैं जो कि इसी तरह से भारतीय मेहमान नवाजी देख चुके हैं। तो कौन कौन से वो अमेरिकी राष्ट्रपति रहे हैं जो भारत आए हैं, आइए आपको दिखाते हैं। पूरे भारत ने एक साथ हाथ जोड़कर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत किया और एक सुर में कहा, नमस्ते ट्रंप। स्वागत ऐसा किया कि जिसे अमेरिका के राष्ट्रपति हमेशा याद रखेंगे। ट्रंप भारत की यात्रा करने वाले 7वें प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस हैं। इस दौरान रक्षा सौदे समेत कई अन्य समझौते होने की उम्मीद है। ट्रंप से पहले भी 6 अमेरिकी राष्ट्रपति भारत आ चुके हैं। आइए आपको बताते हैं कि कौन कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति अब तक भारतीय सरजमी पर कदम रख चुके हैं। सबसे पहले अगर कोई राष्ट्रपति आए हैं तो वो है इवाइट आइजनावर। आज से करीब 7 साल पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनावर साल 1959 में भारत की यात्रा पर आए थे। ये किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की पहली भारत यात्रा थी। इस दौरान उन्होंने दिल्ली के रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित किया और ताजमहल भी देखने गए थे। उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरी बार भारत की सरजमी पर पैर रखने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं रिचर्ड निक्सन। रिचर्ड निक्सन भारत के दौरे पर आने वाले दूसरे अमेरिकी राष्ट्रपति थे। रिचर्ड निक्सन 1969 में भारत आए। उनका भारत दौरा एशियाई दौरे का हिस्सा था। हालांकि उन्होंने देश में सिर्फ 22 घंटे ही गुजारे। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से उनके रिश्तों की तलखी की वजह से हुआ था कि उन्होंने सिर्फ 22 घंटे ही गुजारे। निक्सन भारत से लाहौर गए जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। लेकिन दुखद बात यह है इस दौरे की कि इस दौरे के 2 साल बाद 1971 के युद्ध में अमेरिका पाकिस्तान के साथ जा खड़ा हो गया। अगले राष्ट्रपति हैं जिमी कार्टर। निक्सन के दौरे के लगभग 9 साल बाद 1978 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जिमी कार्टर भारत आए। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने दिल्ली के नजदीक स्थित एक गांव का दौरा किया और एक टेलीविजन सेट गिफ्ट में दिया था। बाद में हरियाणा के इस गांव का नाम कार्टरपुरी पड़ गया। उस समय देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। कार्टर की माँ जब भी भारत आया करती थी तो इस गांव में वो सामाजिक कार्यक्रम किया करती थी। इसी के चलते इस गांव का नाम कार्टरपुरी रख दिया गया था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ये मुलाकात बेहद खास मानी जा रही है। जिस तरीके से अहमदाबाद में उनका स्वागत किया गया, वहीं इसको लेकर अब कहा जा रहा है कि अमेरिका और भारत की दोस्ती और गहरा जाएगी। लेकिन ये सच है कि अमेरिका में किसी अमेरिकी राष्ट्रपति का दौरा नया नहीं है। इससे पहले 6 अमेरिकी राष्ट्रपति भारतीय सरजमी पर कदम रख चुके हैं और भारतीय संस्कृति को आँखों से देख चुके हैं कि क्यों भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे खूबसूरत लोकतंत्र कहा जाता है। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज़।